विश्वविद्यालय थाना अंतर्गत सुंदर नगर से स्विफ्ट डिजायर कार चोरी करने वाले 5 व्यक्ति पुलिस की हिरासत में। कार सीधी जिले के चुरहट से बरामद। चोर गिरोह में 2 बाल अपचारी भी शामिल। विश्वविद्यालय थाना अंतर्गत सुंदर नगर से स्विफ्ट डिजायर कार चोरी करने वाले 5 व्यक्ति पुलिस की हिरासत में। कार सीधी जिले के चुरहट से रीवा की विश्वविद्यालय पुलिस ने की बरामद। चोर गिरोह में 2 बाल अपचारी भी रहे शामिल। कुछ और नाम भी आए निकलकर सामने। विश्वविद्यालय थाना अंतर्गत स्विफ्ट डिजायर कार चोरी मामले में 2 नाबालिग सहित 5 लोग पकड़ाए। विश्वविद्यालय पुलिस ने कार को चुरहट से किया बरामद। पूछताछ में पुलिस को जानकारी मिली, अभी कुछ और लोग भी हो सकते हैं इस चोरी में शामिल। हम आपको बता दें, सुंदर नगर स्थित ब्रजेश सिंह के घर के बाहर खड़ी स्विफ्ट डिजायर कार को अज्ञात चोर चुरा ले गए थे। वाहन मालिक बाहर गए हुए थे, जब वह लौट कर आए तब वाहन मालिक को इसकी जानकारी हुई तो उन्होंने सबसे पहले वाहन को तलाशने का प्रयास किया अपने स्तर पर। जब उनको कामयाबी नहीं मिली तो वो पहुंच गए रीवा के विश्वविद्यालय थाने, वहां शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने सीधी के चुरहट से वाहन बरामद कर लिया। साथ ही चोर मंडली को भी गिरफ्तार करने में पाई है सफलता, जिसमें 2 बाल आपचारी भी हैं शामिल। रीवा के विश्वविद्यालय थाना अंतर्गत सुंदर नगर स्थित ब्रजेश सिंह के घर के बाहर खड़ी स्विफ्ट डिजायर कार को 19 अगस्त को रात अज्ञात चोर चुरा ले गए। घटना के वक्त घर में कोई नहीं था। जब वाहन मालिक बाहर गए हुए थे, लौट कर आए तब उनको पता चला उनके घर में गाड़ी नहीं है, कोई व्यक्ति गाड़ी चुरा ले गया है। उन्होंने आसपास जानने समझने की कोशिश की, कोई ने मेरी गाड़ी तो नहीं देखी। जब उनको लगा कि उनकी गाड़ी चोरी हो गई है तो वो पहुंच गए रीवा के विश्वविद्यालय थाने और वहां पर रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने थाने में शिकायत दर्ज करने के बाद वाहन की तलाश प्रारंभ कर दी। पुलिस को सूचना मिली, एक वाहन स्विफ्ट डिजायर चुरहट में देखा गया है सीधी जिले में। तत्काल ही पुलिस टीम वहां पहुंची, वहां से पुलिस ने वाहन को बरामद कर लिया है। पुलिस ने वाहन की लोकेशन सीधी के चुरहट में मिली थी, जहां पुलिस ने दबिश देकर वाहन को जब्त कर लिया था। साथ ही चोर मंडली को भी पकड़ लिया। पुलिस ने बताया 5 चोर गिरफ्तार हुए हैं, जिनमें से 2 नाबालिग हैं, जबकि घटना में शामिल अन्य लोगों की तलाश की जा रही है। इस बारे में हमने विश्वविद्यालय थाने के TI विद्यावर्धी तिवारी और विश्वविद्यालय थाने के अंतर्गत सुंदर नगर से जिस व्यक्ति ब्रजेश सिंह की गाड़ी चोरी हुई थी, दोनों से बात की। आइए आपको सुनाते हैं वाहन चोरी को लेकर दोनों का क्या कुछ कहना था, आप भी सुनिए। 19 तारीख को ब्रजेश सिंह जी बाहर थे, नासिक गए हुए थे, सुंदर नगर निवासी हैं। वो जब बाहर से लौटे तो उन्हें एक गाड़ी नहीं मिली अपनी। आसपास पता लगाए तो उन्हें ज्ञात हुआ कि गाड़ी की चोरी हो गई है, जिस पर 21 अगस्त को रिपोर्ट हुई। फरियादी और हमारी पुलिस दोनों ने मिलकर सतत रूप से इसका इन्वेस्टिगेशन किया तो ये गाड़ी के चोर गिरोह का पर्दाफाश हुआ। जब उनको अपने हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ हुई तो उन्होंने अपराध करना स्वीकार किया और गाड़ी चुरहट में जाकर के बरामद हुई। इसमें 2 आरोपी जो हैं वो नाबालिग हैं, वो बाल अपचारी हैं, एवं 3, एक आर्यन सिंह, दूसरे अमन सिंह और तीसरे प्रशांत सिंह, इन्होंने गिरफ्तार हो गए हैं। अभी इनके 1-2 साथी और अभी पुलिस पकड़ से बाहर हैं, जल्दी ही हमें गिरफ्तार करेंगे। हमारे घर के गेट के पास खड़ी थी, शाम को लगभग 8 बजे बता रहे हैं कि लोग गए थे, हम लोग बाहर गए हुए थे, 15 दिन से हम लोग घर में नहीं थे। तो ये अभी सब मुलजिम 4 पकड़ गए हैं और ये बता रहे हैं कि मतलब क्या वो गेट से ही, मतलब घर के हमारे किराएदार जो पीछे हमारे साथ में रहते हैं, उन्हीं का हाथ गाड़ी बरामद हो गई। गाड़ी बरामद हो गई जी। कहाँ पर, कहाँ घर है आपका? सुंदर नगर। कितने बजे घटना होगी ये? हम तो नहीं थे घर में, हम लोग 15 दिन से बाहर थे, हम लोग 20 को लौटे हैं। तो 19 तारीख को लगभग 8 बजे शाम की घटना है बता रहे हैं। कौन सी गाड़ी है आपकी? स्विफ्ट डिजायर। अभी कितने आरोपी पकड़े गए हैं? अभी 5 पकड़े गए हैं। क्या लगता है इसमें और भी कुछ आरोपी होंगे? हाँ, अभी इसमें नाम आ रहा, 3-4 लोगों का आ रहा है। क्या नाम है आपका? ब्रजेश सिंह हरवाड़।